गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को 440 वाट का झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति ने अचानक बम फोड़ दिया है और अपना नामांकन वापस ले लिया। न सिर्फ नामांकन वापस ही लिया बल्कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस के लिए वोट मांगते मांगते कांति भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ अचानक कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय सीधा भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। मैदान छोड़ने के बाद अब भाजपा के लिए जीत का रास्ता साफ हो गया है, यानी कि बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी के लिए मैदान अब पूरी तरह से साफ हो गया है। इस राजनीतिक भूचाल के बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बम ने नामांकन वापस क्यों लिया। राजनीति के जानकार इसकी कई वजह बता रहे हैं। सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से उनकी अवहेलना बताई जा रही है। खबर है कि जिस वक्त अक्षय कांति बम नामांकन दाखिल करने गए थे, उस वक्त कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं था। वे नामांकन के वक्त अकेले पड़ गए थे। इसके अलावा जब वे प्रचार करने निकले तब भी उनका कोई वरिष्ठ नेता ने साथ नहीं दिया। इन तमाम बातों से बम नाराज थे। उन्होंने एक जगह ये बात भी कही थी कि मैं जानता हूँ कि कांग्रेस मुझे बलि का बकरा बना रही है। लोकसभा चुनाव में इंदौर से कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। उसने जिस भी नेता को उम्मीदवार बनाने का सोचा वो बीजेपी में शामिल हो गया। कांग्रेस को इंदौर में सबसे बड़ा झटका संजय शुक्ला के रूप में लगा है। संजय एक वक्त कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। वे कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी बने, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले संजय ने बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस को झटका दे दिया। इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे। नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल आखिरी दिन था। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती, तब तक भाजपा ने इस ऑपरेशन को सफलता के साथ अंजाम दे दिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होगा और मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। मध्य प्रदेश के मिनी मुंबई यानी इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने बीते 24 अप्रैल को ही अपना नामांकन दाखिल किया था। हलफनामे में बम ने अपनी कुल प्रॉपर्टी 57 करोड़ रुपए बताई। खास बात ये भी है कि कांग्रेस उम्मीदवार के पास कोई कार नहीं है, वो 14 लाख की घड़ी पहनते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के पास चल संपत्ति 8 करोड़ से भी ज्यादा की है, तो वहीं अचल संपत्ति 46 करोड़ से भी ज्यादा की है। पेशे से बिजनेसमैन बम की सालाना आय 2,63,00,000 है। साथ ही 41 किलो चांदी और 275 ग्राम सोना भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को पहली बार ये झटका लगा है। इससे पहले गुजरात की सूरत सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया था, जिसके बाद बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था। अब बम ने भी मैदान छोड़ दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि इंदौर में कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल कर पाती है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।